निर्वाचन विभाग की ओर से आदर्श आचार संहिता के तहत पीएम मोदी के होर्डिंग्स और पोस्टरों पर कालिक पोतने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने मांग की है कि जिस अधिकारी के इशारे पर यह हुआ है उस पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कालवाड़ के महेशवास ग्राम पंचायत के में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए थे जिन पर निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता के तहत रंग पुतवाया था, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। परिचय के नाते बैठक बुलाई थी और उस बैठक के अंदर ही आज देश के एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अंतिम क्षण तक राष्ट्र सेवा का काम किया और मेरे ख्याल से राजनीतिक इतिहास के अंदर ऐसा पहला व्यक्ति है जो अंतिम सांस तक राष्ट्र सेवा के लिए काम करते रहे, मनोहर पारिकर जी के निधन पर हमारे जिले के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी। और दूसरा, आज एक कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है और आदर्श आचार संहिता के पालन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जी के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे जयपुर ग्रामीण के अंदर, उन होर्डिंग्स के ऊपर कालिक पोतने का काम जो निर्वाचन आयोग ने के आदर्श आचार संहिता के पालन के रूप में किया है वो अनुचित है। अगर आदर्श आचार संहिता की पालना कराना, हम भी चाहते हैं कि वो पालना करें, लेकिन पालना के नाम पर इस तरीके के रंग के द्वारा पेंट करना ये उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा भी करते हैं और जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।